And now for some uh, student politics. Gujarat University is one battleground where the BJP's youth wing simply cannot seem to beat its opponents. Results for the college senate elections saw NSUI or Congress youth wing candidates emerge victorious in 6 of the 8 seats. The NSUI has also bagged 15 of the 24 seats on offer in key varsity bodies. The Congress claims that the university's area of operations includes as many as 10 districts in 7 Lok Sabha constituencies. ये इसका श्रेय हम राहुल जी को देते हैं राहुल जी की जो युवा सोच है और राहुल जी जिस तेजी से युवकों को और छात्रों को प्रभावित कर रहे हैं और उनकी सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं और जो एक पॉजिटिव uh, सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं राहुल जी उसी के साथ इस देश का युवा और विद्यार्थी जुड़ा हुआ है क्योंकि इस देश का युवा इस देश को बनाना चाहता है तोड़ना नहीं चाहता है मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो जीत है वो छात्रों की नाराजगी दिखाती है पूरे गुजरात के बीजेपी युवा मोर्चा और एबीवीपी ने वहाँ पे बड़े बड़े होर्डिंग लगाए थे कि प्लीज वोट फॉर फ्यूचर पीएम नरेंद्र मोदी प्लीज वोट फॉर यूथ आइकन नरेंद्र मोदी और मैं समझता हूँ कि इन पूरी की सभी बातों को नकारते हुए छात्रों ने एनएसए